केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा कर्मचारी संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय आम हड़ताल में आज सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। हालांकि रोडवेज की बसों के चलने पर हड़ताल का असर ना के बराबर रहा। लगभग सभी बसें अपने रूटों पर सामान्य दिनों की भांति चली। पानीपत डिपो की 135 बसों में से सुबह तक 120 बसें अपने निर्धारित रूट पर यात्रियों को लेकर निकल चुकी थी। हड़ताल का क्या असर है? हमारे पास टोटल जो बसें हैं हमारी 136 बसें और वो तकरीबन अपने निर्धारित रूट पर जैसे रूटीन माम चलती थी उसी हिसाब से चल रही है। और जो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ था वो कर्मचारी की छुट्टियां भी रद्द करके माँ प्रबंधक के आदेशानुसार वापिस बुला देते हैं। फिर भी अगर कहीं और भी एक्स्ट्रा बस चलाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी स्टाफ पूरा अवेलेबल है। हड़ताल का कोई असर ना पानीपत में हड़ताल का असर, बाकी कुछ एक हमारा संगठन है वो हड़ताल पे भी है। सर्व कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं हड़ताल के ऊपर, लेकिन जो टाइम हमारे टाइम है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लगातार रूटीन पर बसें अपने निर्धारित समय पर और निर्धारित रूट पर जाएंगे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान रिटायर्ड पेंशन भोगी कर्मचारी तथा फैक्ट्रियों से संबंधित ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी सड़कों पर निकले और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। चार करोड़ मजदूरों का रोजगार छूट गया, एक भी पैसे की न्यूनतम वेतन में मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको सरकार बेच रही है। हरियाणा में बड़ा आंदोलन रोडवेज का निजीकरण के खिलाफ चला है। जो सरकार का रुख है वो जनता के सामने है, सारे सरकारी विभागों को बेच रही है। और मोटे मोटे जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हक में जो देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद मजदूरों ने लड़के जो श्रम कानून बनवाए थे, मोदी सरकार उन सारे श्रम कानूनों को खत्म करने जा रही है। केवल 4 लेबर कोड बना रही है और उसमें स्पष्ट है कि भाई 300 मजदूर तक कोई भी फैक्ट्री मालिक आयरन फायर की नीति के तहत कभी भी निकाल सकता है कोई लेबर ला ले। आज रोडवेज यूनियन जो सुनील जी आज उसमें समर्थन में नहीं है, क्या कारण है? देखो, सौ कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित रोडवेज यूनियन में अलग अलग संगठन है। सौ कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित जो रोडवेज यूनियन की है वो आज हड़ताल में है। कई यूनियन हड़ताल में पहले से ही मना कर रही थी तालमेल में, तो वो आधी ये कह सकते हैं कि पानीपत में ये संकट हो सकता है, पूरे हरियाणा में नहीं। ये पानीपत में एक दिक्कत है जो थोड़ा एक गैप आया, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर हड़ताल बड़ी प्रभावित हो रही है। अलग अलग जगह से खबरें आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज केवल रोडवेज का हड़ताल नहीं है, आज फैक्ट्री मजदूर भी आए हुए हैं। पब्लिक हेल्थ, बिजली बोर्ड, तमाम सरकारी विभाग के कर्मचारी आज यहाँ काम आए हैं, लेकिन अपने अपने विभागों पे बैठे हैं, सब काम बंद करके बैठे। हरियाणा परिवहन जो उसके अधिकारी आजाद सिंह मलिक, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है SKS पे, ये बरगलाने का काम करते हैं, कर्मचारियों गुमराह करते हैं। वो दलाल है, वो मोटे मोटे सरकार का दलाल है और जो इस रोडवेज को बेचना चाहते हैं मोटे पैसे लेके कमीशन खाके वो दलाल है। उनसे हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं, सरकारी दलाल है। और सबसे जो बड़ी बात है, आज केवल ये हरियाणा के नहीं पूरे देश में 20 करोड़ मजदूर, इनकी मांग केवल ये है कि न्यूनतम वेतन 18,000 होना चाहिए। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सरकारी विभाग में पक्के होने चाहिए, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और स्कीम वर्कर है आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील सब पक्की होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आउटसोर्सिंग की ठेकेदारी प्रथा की नीतियां वो सब खत्म हो। रोजगार की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए, समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सभी विभागों को मिलना चाहिए। आज क्या करोगे? आज ये प्रोटेस्ट है सब है, ये आज हड़ताल का पहला दिन था, आज कल भी हमारा धरना चलेगा, विरोध हो रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर ऐसे ही विरोध हो रहे हैं और हड़ताल इन नीतियों के खिलाफ। इसके अलावा ऐसा नहीं है, यहाँ हम हजारों की संख्या में आगे, लेकिन अपने अपने दफ्तरों के बाहर धरना प्रदर्शन करके पूरे हरियाणा विभागों के अंदर
रोड़ों पे बैठे हैं साथी, और ये निश्चित तौर से ये चेतावनी है मोदी सरकार को, जो कभी गंगा के नाम पे, कभी गाय के नाम पे देश को और किसान को मजदूर को बरगला रहा था। महंगाई आसमान पे है, कोई भी जो बेरोजगार नौजवान है धक्के खा रहे हैं। रोजगार 2 करोड़ देने की रोजगार की बात करी थी, कोई रोजगार नहीं मिल रहे, उतने 4 करोड़ रोजगार छूट गए। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है, अगर ये चेतावनी के लिए हड़ताल है 2 दिन की, अगर मोदी सरकार ने मजदूर और कर्मचारियों की लगातार 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये मांगे नहीं मानी, ये जनता की मांगे। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज किसानों का कर्ज माफ करने की बात भी आज की हड़ताल का मुद्दा है। खेत मजदूर में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनको मनरेगा के तहत काम मिले, 600 दिन की प्रतिदिन की दिहाड़ी हो, और विद्यार्थियों का जो संगठन है शिक्षा में निजीकरण ना हो ऐसा, और स्वास्थ्य विभाग में जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट है वो खत्म हो, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी सरकार करे। राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर बिजली कर्मचारी भी पीछे नहीं रहे, और उन्होंने गोहाना रोड स्थित बिजली दफ्तर के बाहर बैठकर कामकाज छोड़कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया और धरना प्रदर्शन किया। ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ एफिलिएशन हरियाणा परिषद के साथ है, जिसके तहत 2 दिन की हड़ताल कर गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने पूरे भारत के अंदर आज ये 2 दिन की हड़ताल रखी गई है, जिसमें कर्मचारियों की जो डिमांड है, डिमांड आज सरकार को दिया गया है, उसका न मानना इस मुख्य हड़ताल का कारण है। और हरियाणा में इसका सबसे बड़ा असर इस बात का, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो हरियाणा से एफिलिएशन हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, उसको उसने कभी बुला करके बात नहीं की कर्मचारियों का, उसके डिमांड कम से कम भी जब से ये सरकार बनी है, इसके पहले वादे थे भाई जो भी कर्मचारी हमारी डिमांड है उसके ऊपर वो पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया, इसलिए कर्मचारियों ने आंदोलन मजबूरी से करना पड़ा। और पीछे जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें हरियाणा सरकार ने कर्मचारी विरोधी नीतियों अपना करके उन पर लाठीचार्ज किया, काले कानून लगा कर, इसमें जैसे काले कानून लगा रखे कर्मचारी को बर्खास्त करने का काम किया, उनको टर्मिनेशन करने का काम किया, जिसका हरियाणा कर्मचारी महासंघ आज के हड़ताल के दौरान उसकी निंदा करता है। और जब तक हरियाणा सरकार की सूझबूझ की नीति नहीं अपना करके कर्मचारियों की डिमांड लागू नहीं करता, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, क्या नाम आपका? हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान महावीर सहरावत। पानीपत नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, सभी कर्मचारियों ने काम छोड़कर प्रदर्शन किया। आज की जो हड़ताल है, हमारा जो राष्ट्रीय सत्र का नेता है, जो कार्यकारिणी है वहाँ की, उसके आह्वान पर की जा रही है, क्योंकि इस भारत सरकार ने ही कर्मचारियों से इलेक्शन टाइम में वादा किया था कि इनको 2 करोड़ रोजगार देंगे हम हिंदुस्तान में, कहीं भी कोई किसी को रोजगार नहीं दिया। और हरियाणा सरकार की बात तो यहाँ तक है कि टेबल पे जब भी कोई धरना प्रदर्शन, झाड़ू प्रदर्शन कुछ भी करते हैं तो टेबल पे बातचीत करने के लिए बुला लेती है। हमारी 16 दिन की पीछे हड़ताल चली थी, 16 दिन की हड़ताल की हमारी सारी मांगे जायज बताते हुए सरकार ने मान ली, लेकिन आज तक कोई भी पत्र जारी नहीं किया। इसलिए इस सरकार से एक बार तो झंडे ठाणे पड़ते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, दूसरी बार फिर मांग को लागू कराने के लिए, लेटर जारी करने के लिए फिर यही वही काम करना पड़ता है। इसलिए ये सरकार बहुत गंदी और घटिया सरकार है, और हम ये कहना चाहते हैं कि अब इनके दिमाग का जो पारा है वो 7वें आसमान पर चला गया। हरियाणा के अंदर इनके 5 मेयर बन गए, उससे इनको ये साबित हो रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आएगी। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते या तो कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके पत्र जारी करें, अन्यथा अभी विधानसभा का और लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें देखते हैं क्या निर्णय होता है, और एक एक कर्मचारी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगा।